नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अशोक ब्लॉगर चैनल पे। और आज आपको मोटो ब्लॉगिंग करते हुए छत्तीसपुर के करीबी माहेमऊ गांव का ब्लॉग दिखाते हैं। बहुत लंबे समय से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा आज आप लोगों की जो इच्छा है वो पूरी की जाए, क्योंकि समय मिला, मौका मिला और हम पहुंचने वाले हैं माहेमऊ। तो कुछ ही दूरी पर बाएँ साइड से रोड है, तो चलते हैं माहेमऊ गांव का मोटो ब्लॉग दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं चौराहा है। माहेमऊ अमेठी का ये चौराहा बना है पूरा, और इस चौराहे से सटा हुआ एक रोड है जो माहेमऊ गांव की तरफ जाता है। माहेमऊ में केनरा बैंक का शाखा, ग्राम पंचायत माहेमऊ, जगदीशपुर, अमेठी। तो माहेमऊ को जाने वाली सड़क है, और यहीं से शुरू होता है गांव का मोटो ब्लॉग वीडियो। और कई सारे व्यूवर्स हैं जो यहां से कमेंट कर रहे हैं लगातार, हमें लगता है एक साल हो गया है, लेकिन समय मौका न मिलने की वजह से मैं इस गांव का ब्लॉग नहीं दिखा पाया। फिलहाल अगर मैं सड़क का रिव्यू दूं तो सड़क जर्जर है, और काफ़ी टाइम से जर्जर है, क्योंकि मैं केनरा बैंक की शाखा आया था एक साल पहले, उस शाखा जब आया था तब ये सड़क वैसी की वैसी, मतलब एक साल से सड़क अभी वैसे ही जर्जर पड़ी है। उसके पहले का टाइम आप लोग कमेंट कर देना कब से सड़क की स्थिति ऐसी है। और मेन मोटिव आज का ब्लॉग दिखाने के लिए गांव की सड़क कैसी है और गांव का एक नज़ारा कैसा रहेगा देखने में, यहाँ की क्या स्थिति है गाँव में, अंदर गलियों की, सड़कों की, खड़िंग जो की। तो जहाँ एक बड़े लेवल का बैंक हो जिस गांव में, और उस बैंक को जाने के अधिकारी महोदय लोग के लिए रास्ता ऐसा हो, तो उनको भी सोचना चाहिए कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने की जरूरत है। और फिलहाल बात करते करते भी हम आए गांव के करीब आ गए हैं, तो ये पुल है। हर एक गांव में कोई ना कोई पुल होता है जहाँ से लोग इकट्ठा होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है, चर्चाएँ होती हैं, लोग कुछ अपना माहेमऊ गांव पहुँचे हैं। पुरानी हवेली जैसे घर दिख रहा था यहाँ। अब जहाँ शाखा तक आया था तो बीच गांव का जो दो सड़क है वहीं रास्ता ख़राब पड़ा है। जब मैं एक साल पहले आया था तो यहाँ पे क्या बोलते हैं जो बैंक है वहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था, बारिश का टाइम था। आज भी वैसे ही कुछ दिख रहा था कीचड़ उचड़। तो मैंने सोचा भाई आज आप लोग को घूम देते दिखा देते हैं। तो ये एक इंटरलॉकिंग रोड मिला है, इधर के इधर से निकलते हैं और गांव के दूसरे साइड होते हुए गांव का भ्रमण कर लेते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद इधर से निकला हूँ, मैंने कहा चलो आज एक मोटो ब्लॉग तो बनता ही है, क्योंकि रिकमेंडेशन और रिक्वेस्ट की वजह से मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन बना रहे इसलिए ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे गांव में देखो लगातार तीन तीन चार चार ब्रेकर हैं, हर एक घर के सामने गौरैया चिड़िया। गांव की मस्जिद है, हीरो यहाँ पे चश्मा लगा रहे हैं, है तो रास्ता भाई गांव में परचून की दुकान है। इधर से तो रास्ता नहीं लग रहा है, इधर से निकल लेते हैं। फिलहाल दूसरी गली मिली इंटरलॉकिंग वाली, पता नहीं है रास्ते में इधर इधर अंडी इधर गली है, निकल बाइक निकल जाए बाइक ठीक 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 भाई, धन्यवाद भाई। रास्ता यहाँ का दुरुस्त है भाई, लेकिन बाहर जो मेन मेन सड़कें हैं ना वो ख़राब है। गांव में बड़ा शानदार इंटरलॉकिंग काम है माहेमऊ। यहाँ पे देखो नंजर वाली टोटी भी हर एक घर में लगी पड़ी है, हर एक घर में पूरी सड़क की जो स्थिति है ज़बरदस्त है भाई। अंदर इंटरलॉकिंग नल जल योजना का प्रॉपर काम हो चुका है। अब पानी आ रहा है कि नहीं आप लोग कमेंट करना, आ रहा होगा तभी देखो बाल्टी लगी हुई है। इधर से बाहर निकल जाएंगे नहीं उधर हो गया हाँ। तो फिलहाल उत्तर साइड की तरफ चलते हैं, जो गांव के बाहर एग्जिट क्या बोलते हैं रानीगंज के साइड का रास्ता है।
गांव भाई, गांव का जो मेन अंदर का रोड है सबसे ज़बरदस्त है ना। अब हो सकता है लग भाई वो जो व्यूवर्स होते हैं मिल जाए, मैं सोचा कोई ना कोई तो रोकेगा मिलेगा ही। फिलहाल सब लोग रोटी सही करते हैं, क्योंकि ये माहे लोग गांव क्रॉस कर दिए हैं। पुल है आगे, पुल गांव जैसे क्रॉस करते हैं, जो थोड़ा दूर का रास्ता है पूरा कच्चा पड़ा है। तो आप लोगों को हमने दिखा दिया आज के ब्लॉग में माहेगाँव का। अब रिकमेंडेशन अदर विलेज की करना, अदर गांव की करना। फिर यहां से इंटरलॉकिंग स्टार्ट हो जाता है इस तरह से। ये देखो यहां पे गांव के उत्तर साइड में मंदिर बना हनुमान जी का, तो आपको दिखा दिए माहेगाँव गांव। यहां पे मतलब गांव में पूरी जो व्यवस्था है, सड़क की हो, नल जल योजना वाली हो, हर एक चीज़ दुरुस्त है, ज़बरदस्त है। ऐसा मैंने लंबे समय की बात गाँव की सारी सुविधा सही। तो मैंने सोचा इतना ही। दादा ये कटहटिन वाली तो रोड आए, कटहटिन वाली सड़क आए किधर जावत कटहटी मिले ना कटहटी। अरे वो वही तो।